गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडेज आवर टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. टूडे वी विल सी हाउ द सिग्नल विल ट्रांसमिट इन द ऑप्टिकल फाइबर. ओके, नाउ कम टू अवर टॉपिक. दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर. यहाँ पे तीन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट वन ये ऑप्टिकल, पहला पार्ट आपका ट्रांसमीटर है. दूसरा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, ये आपका किसको शो कर रहा है, ये ट्रांसमीटर है. सेकंड आपका ये ट्रांसमिशन जो पाथ है ये ऑप्टिकल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और थर्ड जो पार्ट है आपका ये आपके रिसीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो तीन पार्ट से मिलकर ब्लॉक डायग्राम आपका बना हुआ है. सबसे पहला पोर्शन देखते हैं आपका ट्रांसमीटर. ठीक है, ट्रांसमीटर में तीन टाइप के कंपोनेंट्स लिए गए हैं. पहला है आपका ऑप्टिकल सिग्नल. ऑप्टिकल सिग्नल क्या है? वो सिग्नल जिसको हम ट्रांसमिट कराना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं हेलो बोल रही हूँ, तो इस हेलो को मैं ट्रांसमिट कराना चाहती हूँ, तो ये मेरा इनपुट सिग्नल हुआ. दूसरा होता है ऑप्टिकल सोर्स. ये ऑप्टिकल सोर्स क्या हो सकता है? ऑप्टिकल मीन्स लाइट सोर्स. लाइट सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है. आप LED यूज़ कर सकते हैं, लेज़र लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा सोर्स आपको यूज़ करें जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो. ठीक है, तो या तो हम लेज़र या LED को प्रेफर करते हैं. तो यहाँ ये, और ये थर्ड कंपोनेंट है आपका मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर क्या करता है? ऑप्टिकल सोर्स से आने वाले ऑप्टिकल सिग्नल्स को, जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है ये, और यहाँ से आने वाले सिग्नल्स को, दोनों सिग्नल्स को लेता है, दोनों को मर्ज करता है. क्यों? क्योंकि बच्चे तुम लोग को मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर चूँकि सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल्स के साथ ही डील करता है, दैट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल्स ही मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं. अब जैसे मैंने बोला हेलो, ये जो हेलो है ये मेरी साउंड वेव्स हैं. ठीक है, तो इस सिग्नल को मैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं करा सकती, क्योंकि ये जो हेलो मैंने कहा, ये जो मेरा मैसेज है, ये साउंड वेव्स के फॉर्म में है, ये ऑप्टिकल सिग्नल नहीं है, ऑडियो सिग्नल है. तो इसको अगर मुझे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट कराना है, तो इसको मुझे ऑप्टिकल सिग्नल के साथ मर्ज करना पड़ेगा, ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं मॉड्यूलेटर का यूज़ करती हूँ. तो ये मॉड्यूलेटर क्या करता है बच्चों? ये आपके यहाँ से आने वाले ऑप्टिकल सिग्नल्स को और यहाँ से आपके ओरिजिनल मैसेज को, दोनों को मर्ज करता है, और मर्ज करने के बाद क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ से एंटर करा देता है. अब ये पूरा का पूरा सिग्नल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होकर यहाँ तक आता है. अब ये सिग्नल ट्रांसमिट होकर कहाँ पर आ गया? रिसीवर में. रिसीवर में जो आपको सिग्नल मिला है वो आपका ऑप्टिकल सिग्नल है. ऑप्टिकल सिग्नल को तो आप सुन नहीं सकते, उसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे? तो हम क्या करते हैं, जैसे ही दूसरे वाले एंड में जहाँ पे रिसीवर है, हम वहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर लगा देते हैं. ये लिखा है ऑप्टिकल डिटेक्टर. ये डिटेक्टर क्या करता है? उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, जो सिग्नल वहाँ से आया उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद उसको वहाँ भेज देगा डीमॉड्यूलेटर. डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? आपका जो सिग्नल आया है ऑप्टिकल सिग्नल, उसके अंदर एक ओरिजिनल मैसेज छुपा हुआ है, जो मैंने कहा ना हेलो में सेंड करी हुई, हेलो आपका LED या लेज़र लाइट के साथ मर्ज होके गया है, तो वो उन दोनों सिग्नल को देखेगा और उनको डीमॉड्यूलेट करेगा, मतलब सेपरेट करेगा. और जो आपका ऑप्टिकल सोर्स, जो लाइट है, ऑप्टिकल सिग्नल है, उसको यहीं पे डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? सप्रेस कर देगा और उसको आगे नहीं जाने देगा. और आपका जो ओरिजिनल मैसेज हेलो था, वो उसको कहाँ भेज देगा? आपके आउटपुट में, रिसीवर के पास भेज देगा. तो इस तरह से आपका सिग्नल का ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है. जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर से एक पाथ है जिसके थ्रू आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, पर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कि आप सिग्नल को ट्रांसमिट कैसे करते हो? आप ओरिजिनल सिग्नल जो भी मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है. कम्युनिकेशन में जो सिग्नल्स हो रहे हैं वो आपके ऑडियो सिग्नल्स हैं, आप उनको डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं? उसे ऑप्टिकल सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हैं और फिर से ट्रांसमिट कराते हैं, और ट्रांसमिट कराने के बाद उसे फिर डीमॉड्यूलेट करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, और फिर सेपरेट करने के बाद फिल्टर करके उस ओरिजिनल मैसेज को हम रिसीवर के पास तक पहुंचाते हैं. तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वर्क करता है. तो ये आज हमने पढ़ा कि किस तरह से सिग्नल ट्रांसमीटर से के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर के में ट्रांसमिट करा के रिसीवर में उसे रिसीव करते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना. इसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के टॉपिक देखेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.